हाय गाइस, मेरा नाम राहुल है और आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपने लैपटॉप पीसी पर आप एंड्रॉयड के गेम्स एप्लीकेशन कैसे चला सकते हैं, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल का नाम राहुल मामले है। यहाँ पर सब एंड्रॉयड के बारे में दिया जाता है, वीडियो बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जाकर यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते कि अपने पीसी पर या लैपटॉप में एंड्रॉयड के गेम और एप्लीकेशन कैसे चलाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक सर्च करना है, जेनी मोशन यहाँ पर डालना है। जेनी मोशन डालने के बाद यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट दिखाई देगी, जेनी मोशन पर क्लिक करना है। जेनी मोशन पर क्लिक करने के बाद एक बार उस पर क्लिक करने के बाद उनका जो ऑफिशियल साइट है वो ओपन हो जाएगा। आई एग्री पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर इंडिविजुअल पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ग्रेड फोर स्टार फ्री, यहाँ पर फ्री वर्जन दिया हुआ है। तो गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है आपको और यहाँ पर डाउनलोड जेनी मोशन पैकेज वहाँ पर क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी ये जेनी मोशन जो सॉफ्टवेयर है एंड्रॉयड इम्यूलेटर वो पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड होने के बाद जेनी मोशन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, 146 MB का लगभग है, उसको इंस्टॉल कर दीजिएगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, आपको दिखाता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद जेनी मोशन यहाँ पर ऐसे दिखाई देगा। जेनी मोशन के साथ साथ आपको जेनी मोशन शेल वर्चुअल बॉक्स वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएंगे। तो जेनी मोशन इंस्टॉल होने के बाद आपको उस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। जेनी मोशन है एंड्रॉयड इम्यूलेटर है, इसलिए उसको स्टार्ट होने में बहुत समय लगता है। तो जो आपके पीसी की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके ऊपर वो निर्भर करता है कि कितने जल्दी जेनी मोशन आपके पीसी में रन या प्ले होगा। तो यहाँ पर अगर आपको कोई वर्चुअल डिवाइस नहीं दिखाई दे रहे तो आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे 4.1 एंड्रॉयड 4.2 यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैंने डाउनलोड किया हुआ है कस्टम फ़ोन 4.4.4, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ मैं। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद जो एंड्रॉयड इम्यूलेटर है वो ऑटोमेटिकली रन होगा। उसके लिए कुछ समय लगेगा, 2-3 मिनट के अंदर वो सक्सेसफुली आपके कंप्यूटर में रन हो जाएगा। रन होने के बाद आप उसमें एंड्रॉयड के कौन से भी सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप वो सभी आप रन कर सकते हैं। उसको थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम इंस्टॉल हो रहा है, इसलिए यहाँ पर देखो यहाँ पर जेनी मोशन ओपन हो चुका है। जेनी मोशन ओपन होने के बाद जो आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में करते हैं वही सब आप इस जेनी मोशन में कर सकेंगे। यहाँ पर आपको एंड्रॉयड का लोगो दिखाई दे रहा है, ये एंड्रॉयड ही है। आप यहाँ पर जो भी एंड्रॉयड में करते हैं वो सब आप जेनी मोशन एम्यूलेटर में कर सकते हैं। यहाँ पर आप मैसेज चैटिंग गेमिंग सब कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्लो चलेगा लेकिन बेटर चलेगा। दूसरे एम्यूलेटर जैसे ब्लू स्टैक जो भी एम्यूलेटर है उससे तो अच्छा ही चलेगा। यहाँ पर देखो सक्सेसफुली मेरा एम्यूलेटर रन हो चुका है।
यहाँ पर सब मोबाइल की स्क्रीन मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर मेनू पर क्लिक किया मैंने, ये देखो यहाँ पर बहुत सारे एंड्रॉयड के सॉफ्टवेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट, ये देखो सब कॉन्टैक्ट आ रहा है। उसके बाद विजेट्स सेटिंग में मैं आपको दिखाता हूँ, अबाउट फोन 4.4.1 किटकैट दिखाई दे रहा है, टेटस मीन्स आपके पास ये समझो एक मोबाइल ही है, आप जो मोबाइल में करना चाह करोगे वह सब इसमें कर सकता हो। अवेलेबल 4.86 GB इंटरनल मेमोरी दिया है इसमें। आप यहाँ पर नेट भी इंटरनेट चला सकते हैं ब्राउज़र में जाकर आप प्ले स्टोर इंटरनेट सब ओपन कर सकेंगे। उसके लिए आपको कौन सा चार्ज नहीं लगेगा, वो भी सब फ्री में। देखो यहाँ पर मैंने प्ले स्टोर ओपन शेयर इट की वेबसाइट ओपन कर की है। यहाँ पर हम शेयर इट सब इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको जो भी करना है वो आप यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। कुछ गेम खेलना, कुछ सॉफ्टवेयर ब्लूस्टैक, कुछ सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप सब आप इसमें कर सकेंगे। थैंक्स गाय वॉचिंग दिस चैनल। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कौन सा भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस चैनल।